हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं कल्पना थापा राभा फ्रॉम आसाम, ग्वालपाड़ा जिले की दरीदुरी गांव से। दोस्तों, इससे पहले मैंने आपको मशरूम की बैग्स बनाने वाली सिखाई थी, और आज मैं दिखाने जा रही हूँ आपको मेरी मशरूम की प्रोडक्शन वाली रूम, जहाँ मेरी प्रोडक्शन होती है और मशरूम की सिलेंडर्स वहाँ पर हैंगिंग करती हूँ। आइए, मैं आपको लेके चलती हूँ मेरी प्रोडक्शन रूम। ये देखिए दोस्तों, ये मेरी प्रोडक्शन रूम है। यहाँ पे इससे पहले वाले बेस की बैग्स प्रोडक्शन हो रही है, और ये उस दिन जो मैंने 26 फरवरी को जो बनाई थी, ये ब्लॉक्स बैग्स को मैंने इस तरह से हैंगिंग की है। ये देखिए, हैंगिंग की प्रोसेस इस तरह से होती है दोस्तों। एक एक रोप में 1, 2, 3, 4 और एक ऊपर जाएगा 5, यानी कि 5 सिलेंडर्स बैठते हैं, इस तरह से बनाते हैं। और ये है मेरा प्रोडक्शन रूम। ये नई सिलेंडर जो यहाँ पे बिठा के रखी हूँ, इससे पहले वाली जो है वहाँ पे प्रोडक्शन हो रही है। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए, ये फुल मैच्योर हो चुका है और इसे आज मैं मार्केट भेज रही हूँ, और ढेर सारे लोगों ने ऑर्डर भी किया है, सप्लाई भी देना है मुझे। ये देखिए, इस तरह से मशरूम को तोड़ते हैं। ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, ये देखिए, इस तरह से तोड़ाई हो रही है अभी, और इसके बाद इसकी पैकेजिंग होती है। लेकिन इससे पहले मैं आपको मशरूम्स के प्रोडक्शन रूम्स के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ दोस्तों, कि उसकी लेंथ ब्रेथ कितनी है, हाइट कितनी है, और उसकी जो अंदर वाली जो टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर कितनी है। आज मेरा थोड़ा गला भी बैठा हुआ है दोस्तों, सर्दी हो रही थी मुझे तो इसी वजह से आवाज़ में प्रॉब्लम भी हो रही है। तो देखिए, इसकी लेंथ है 40, ब्रेथ है 15 और हाइट है 14। और दूसरी बात, रूम टेम्परेचर जो मेंटेन करना होता है, उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, जैसे ऊपर स्प्रिंकलर वगैरह देना पड़ता है, पानी की सुविधा करने पड़ती है, और दूसरी रूम टेम्परेचर की मशीन लगाया जाता है, जिससे कि उसमें पता चलता है अपने को कि इस रूम के अंदर कितनी टेम्परेचर हो रही है, यानी कि मशरूम ग्रोथ के लिए कोई प्रॉब्लम है या नहीं। तो इस तरह से मैंने मेंटेन किया है दोस्तों। ये देखिए, इसी वजह से आज इसकी प्रोडक्शन हो भी रही है अच्छी तरह से। इसे यहाँ पे तोड़ना और इसको बिठाना, जैसे कि मान लो ज़्यादातर मेरे हस्बैंड ही करते हैं, क्योंकि मुझे दुकान और फिर इसकी जो स्पॉन की ऑर्डर वगैरह सब कुछ मैं खुद कर लेती हूँ, और वो इसमें मुझे हेल्प करते हैं, जैसे बिठाना, अतुड़ाई करना, फिर सप्लाई करना, ये सब के लिए मेरे हस्बैंड ही हेल्प करते हैं मुझे। और मशरूम के रूम में ज़्यादातर लोगों को घुसने देना जरूरी नहीं होता है दोस्तों, क्योंकि उससे भी मशरूम इफेक्ट हो जाता है। और है क्या? होता है। अभी तक मैंने सिर्फ आपको
मशरूम की सिलेंडर बनाना, मशरूम की प्रोडक्शन करना और मशरूम के घर को दिखाया है कि किस तरह से इसको किया जाता है। और इसके बाद मैं आपको ब्लॉग्स डालूँगी जितने भी वो मशरूम्स के फूड आइटम्स होंगे, क्योंकि हम लोग फास्ट फूड बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, खाते भी हैं, और उसको अगर मशरूम के थ्रू से खाएं, यानी कि मशरूम के द्वारा बनाकर खाएं, तो वो कितना स्वादिष्ट होता है, इसके बारे में भी मैं आगे ब्लॉग्स बनाऊंगी। सो फ्रेंड्स, आप लोग देखते रहना, और जितने भी नए फ्रेंड्स आए हैं चैनल में, सब्सक्राइब करना, कमेंट्स एंड शेयर करना। आइए मैं आपको और इम्पोर्टेंट चीज़ बता रही हूँ, जैसे फ्लोर को बहुत साफ़ सुथरा रखना है दोस्तों, कीड़े मकोड़े से दूर, और गंदगी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अब गर्मी की मौसम आ रही है। मार्च की आज 15 हो चुकी है दोस्तों, तो अब गर्मी हो रही है, तो इसमें रूम के अंदर इसमें वीकली 3 डेज एटलीस्ट पानी डालना पड़ता है, फ्लोर को भिगो के रखना पड़ता है। और इसके साथ साथ ये जो हाफ वॉल है, ये सबको भी पूरा भिगोना पड़ता है, तभी मशरूम प्रोडक्शन अच्छी तरह से होती है गर्मियों में भी। और दूसरी बात, मशरूम प्रोडक्शन करते समय जो रूम की टेम्परेचर चाहिए वो होती है ऑयस्टर के लिए मेनली 29 डिग्री सेल्सियस तक वो उग जाती है। तो आइए मैं वो मशीन आपको दिखाती हूँ, मैंने उसे अमेजन से मंगवाया था। ये देखिए दोस्तों, आज का जो रूम टेम्परेचर है वो 22 डिग्री सेल्सियस है, तो इसमें आराम से मशरूम हो जाती है। तो और आगे हम लोग चलते हैं दोस्तों दुकान की ओर, जहाँ मेरे हस्बैंड ऑलरेडी मशरूम को तोड़कर ले जा चुके हैं और उसकी पैकेटिंग के लिए तैयार कर रहे हैं। आइए दिखाती हूँ कि हम लोग किस तरह से पैकेटिंग करते हैं, लेबलिंग करते हैं, और उसके बाद बाहर सप्लाई करते हैं। ये देखिए दोस्तों, मशरूम की पैकेट इस तरह से बनाए जाते हैं। ये मेरी 200 ग्राम की पाउच, और इसमें मैंने अपनी ब्रांडिंग डाली हुई है दोस्तों, फ्रेश मशरूम, फ्रेश ऑयस्टर करके। और इसमें ये देखिए, मैंने यहाँ पे FSSI और पूरी मेरी डिटेल्स यहाँ पे डाली हुई है दोस्तों, ये देखिए। और यहाँ पे इस पैकेट पे 200 ग्राम की पैकेट बनती है ये, और ये ग्वालपाड़ा और गुवाहाटी सप्लाई जाती है, और लोकल में भी डिमांड है इसकी, और गांव के अंदर अंदर तो वहाँ पे भी जाती है। और दोस्तों, मशरूम के बारे में आपको क्या बताऊँ, मैं मशरूम के बारे में जानने के लिए तो बहुत है, और धीरे धीरे मैं आपको बताते ही जाऊँगी कि मशरूम क्यों यूज़ करना पड़ता है अपने को। और जैसे कि एटलीस्ट वीकली 3 डेज खाना बहुत ज़रूरी है। मशरूम सिर्फ सब्जी नहीं दोस्तों, ये अपने शरीर के लिए, जैसे कि हम दवा वगैरह यूज़ करते हैं तो उसमें भी मेडिसिनली भी यूज़ होता है मशरूम, तो इसीलिए आप भी इसको यूज़ करें अपने डाइट पे, लंच हो या डिनर या हो ब्रेकफास्ट, कहीं भी ऐसे भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। देखिए, मैं आगे और भी खबर आप लोगों को खबर इसके बारे में इंफॉर्मेशन दूंगी, आप देखते रहना मेरे वीडियो को। और ये देखिए, मैंने इस तरह से पाउच बनाया है, और इस तरह से ये इसमें 200 ग्राम की वेट है। अब इस पर रबर बैंड लगेगी और ये टोटली पैक हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए। और इसी के साथ आज की ब्लॉग्स मैं यहीं समाप्त करती हूँ।